हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम इंडियन लिटरेचर देखेंगे बिकॉज टुडे इज़ मंडे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे हम लिटरेरी स्कॉलर चैनल पे इंडियन लिटरेचर को कवर करेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं पहले लिटरेचर शुरू करने से पहले। और इस पर्टिकुलर जो सेक्शन होगा इंडियन लिटरेचर का, उसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं सिर्फ उसी को कवर करेंगे। इंटायर हिस्ट्री कवर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड यू ऑल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो येस, इस वजह से मैं ये श्योर हूँ कि आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होगी। सो दैट्स वाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेती हूँ, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किया कैलकटा में मदरसा इन 1781 में। विलियम जोन्स ऑर्गेनाइज किए थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। देन सर थॉमस मुनरो एट मद्रास वर रैदर इम्प्रेस्ड बाय द कल्चर ऑफ द हिंदूज, एंड मुनरो एंड जोन्स इन दोनों लोगों को ब्रह्मनाइज्ड ब्रिटॉन्स कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों जो थे ये एडमायरर थे इंडियन कल्चर और इसके सिविलाइजेशन के। सो इन 1813 द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड, एंड द हिकीज बंगाल गैजेट्स इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो कि 1780 में आया। देन सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच आया 1854 में। देन 1853 में फर्स्ट रेलवे वॉज ओपेंड इन इंडिया। 1854 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड। देन द रनायसा इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर बिगिन विद राजा राम मोहन रॉय एंड टू हूम हिस्टोरियन नेम्ड एज द फर्स्ट ऑफ इंडियन मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। देन 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट इंडियो एंग्लिकन राइटर्स ऑफ वर्स एंड प्रोज में कैवली ब्रदर्स है, डिरोजियो है, हसन अली है, मोहन लाल, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। तो सबसे पहले हम तोरु दत्त को देखेंगे। तोरु दत्त का जो बर्थ हुआ वो 4th मार्च 1856 में हुआ, मतलब 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उससे एक साल पहले हुआ। देन 30th अगस्त 1877 में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही छोटी उम्र थी इनकी, ट्यूबरकुलोसिस से इनका डेथ हुआ था बोला जाता है। शी वॉज अ बंगाली पोइट and from the Indian subcontinent who wrote in English and French in what was then British India. ब्रिटिश इंडिया में ये बेसिकली इंग्लिश में लिखती थी, फ्रेंच भी इनको आती थी, संस्कृत की भी अच्छी नॉलेज थी इनको। शी नो बंगाली ऑल्सो बिकॉज बंगाली इज हर वॉज हर मदर टंग। सो येस, इनके फादर का नाम गोविंद चंद्र दत्त था और मदर का नाम क्षेत्रा मोनी दत्त। देन हर फैमिली बिकम क्रिश्चियन इन 1862 में इनकी जो मदर फादर हैं इनकी पूरी फैमिली क्रिश्चियन हो गई थी। इनके इनको लेके तीन भाई बहन थे, ये मतलब सबसे छोटी थी और इनके एक भाई और एक बहन और ये थी। सो तोरु वॉज 6 ईयर ओल्ड जब इनकी पूरी फैमिली क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाती है, मतलब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगती है। तोरु दत्त इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोइटिस टू राइट words in French and in English. She was considered as the first Indian poetess जिन्होंने English में भी लिखा, French में भी लिखा, कुछ अच्छे translation भी किए संस्कृत से English में, French से English में। सो इस तरीके से है। देन तोरु दत्त वॉज वेल वर्स्ड इन बंगाली, फ्रेंच, इंग्लिश एंड लेटर शी लर्न्ड संस्कृत, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हर फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज वेन शी वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एंड इन बंगाल मैगजीन में इनका सबसे पहला पब्लिकेशन आया था। देन हर फर्स्ट बुक द डायरी ऑफ मैले डी एवर्स, ऑल्सो नोन एज द रोमांस ऑफ मैले डी एवर्स थी। Then in 1876, the first edition of her book, A Chef Gland in French Field, was published by the Saptahik Shabd Press. Then Bhavanipur, inka pehla aaya tha. It was completion of the translation of French poem. Then she was buried, inke death ke baad inko street cemetery in Calcutta mein, South Park Street Cemetery mein inko bury kiya gaya tha.
जितने भी इनके वर्क थे वो सब पोस्थ्यूमसली इनके डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं. हर पोएम्स वर रिलीज्ड सक्सेसफुली इन द कम्प्लीशन नेम्ड एंशंट बैलड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान. द टू मेन नॉवल, ये नॉवलिस्ट ऐसा इनको, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि शी वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट पोइटिस बट शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट नॉवलिस्ट, फीमेल नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया. सो इन्होंने दो नॉवल लिखा, पहला द यंग स्पैनिश मेड जो कि अनफिनिश्ड है, और ल जनरल डी मोड मोसेयर, आई थिंक कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये फ्रेंच इनकी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये इनकी फ्रेंच नॉवल थी. द यंग स्पैनिश मैडन वो ऑल्सो नोन एज बियंका, बियंका इनका नाम था, इनके जो पहले नॉवल जो कि अनफिनिश्ड थी उसका. ये बंगाल मैगजीन में जनवरी से अप्रैल 1878 तक पब्लिश होती रही, मतलब इसके कुछ कुछ पार्ट्स अपेयर होते रहे. फ्रेंच नॉवल जो ले जनरल है हैड बीन इशूड इन पेरिस इन 1879, पेरिस में इशू हुआ. टोरू वॉज अ नेचुरल पोएट हु रोट सम लिरिक्स गिविंग अटरेंस टू हर यूथफुल ड्रीम्स एंड हर लव फॉर नेचर. ये इनकी थीम होती थी पोइट्री की, स्पेशली नेचर से रिलेटेड इनकी थीम होती थी. अब इनके जो वर्क हैं उसको हम क्रोनोलॉजिकल वे में देख लेते हैं. द शेफ ग्लियंड इन फ्रेंच फील्ड्स 1875 में, इट इज़ एन एंथोलॉजी विच कंप्राइजेज द ट्रांसलेशन ऑफ 173 पोएम्स. देन शेफ ग्लैंड इन संस्कृत फील्ड्स 1882, इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ एंशियंट बैलड्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ. देन सावित्री 1882, अ लॉन्ग पोएम विच वॉज पब्लिश्ड पोस्थ्यूमसली. बियंका और अ यंग स्पैनिश मेडन, इट इज अ रोमांटिक नॉवल विच अपियर्ड पोस्थ्यूमसली इन अ सीरियल फॉर्म ऑफ अ बंगाली मैगजीन एंड इट इज अनफिनिश्ड. देन सम इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पोएम अगर इनकी देखें तो एक कैसोरिना ट्री, इट इज़ अ लिरिकल इवोकेशन ऑफ अ चाइल्ड हुड. द लोटस, लक्ष्मण, एंशियंट बैलड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान एंड सीता करके भी है. सो ये सारी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं. आई होप कि इसी से क्वेश्चन आएगा, और इनके जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं उनको हम डेफिनेटली कवर करेंगे नेक्स्ट मंडे. तोरू दत्त की कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स जो कि एग्ज़ाम में अक्सर जहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसमें लोटस है और कैसोरिना ट्री करके जो इनकी एक पोएम है. सो ये सारी पोएम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर कुछ मुझसे फैक्ट्स छूट गए हैं तो प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. आई फील ब्लेस्ड कि जब आप मुझे करेक्ट करते हो या फिर जब आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, क्योंकि वो अच्छा लगता है. और मैं क्या बोलूं, चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.